बात यह कि अभी चंद हफ्ते पहले ही ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे, 2-2.5 दिन रहे यहाँ पे, और मैं समझता हूँ बड़ी गुडविल लेके गए, बड़े मुआहदों पे बायलैटरल एग्रीमेंट से उनके ऊपर सिग्नेचर हुआ। लाहौर आए, अलामा इकबाल के मजार पे गए, कराची गए, कायदे आजम के मजार पे गए, तो और ये उस उनकी विजिट उसके उन इवेंट्स के बाद थी आज से चंद महीने पहले, जबकि ईरान ने पाकिस्तान बलूचिस्तान में कुछ मिसाइल जो है वो अपना फायर किए थे, पर हमने विद इन 24 आवर्स हमने भी रिटेलिएट किया, तो बड़े तनाव था वो ईरान और पाकिस्तान में। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उनके विजिट के बाद और उससे पहले साथ ही उससे पहले उनके फॉरन मिनिस्टर भी आए, तो काफ़ी हद तक मैं बल्कि काफ़ी हद तक नहीं मैं कहूँगा मुकम्मल वो जो बदएतमादी थी और वो वाली एक फजा जो कायम हो गई थी, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल क्लियर हो गया और वी वर बैक टू आवर गुड ओल्ड रिलेशन, और तमाम डाउट्स जो शकूक शुबात दे वर ऑल लेट टू रेस्ट। तो इस बैकग्राउंड में जब ईरानियन प्रेसिडेंट गए हैं पाकिस्तानी अवाम का दिल जीत के और फिर ये कल सानिया हुआ है, तो यकीनन पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। हमारा डे ऑफ मॉर्निंग भी अनाउंस हुआ हुआ, हमारा फ्लैग इज एट हार्ट मार्च हाफ मार्च, तो बिल्कुल होना भी चाहिए। तो और बड़े वाइड जो स्टेटमेंट्स हैं बाय द पॉलिटिकल बाय द टॉप लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेसिंग देयर ग्रीफ इनकी डेथ के ऊपर। देखें इसके हमें दो बीइंग एन एक्स वेटरन एविएटर इन चीज़ों से हम डील करते रहे हैं, खासकर ये जो वीआईपी हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और जारी बात है ईरानी प्रेसिडेंट वाज फ्लाइंग इन अ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, यानी कि वो हेलीकॉप्टर जिसके पायलट्स और अमला हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी, जिसके अपने मेंटेनेंस एसओपीज और लेवल ऑफ आप समझें कि जो उसकी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है एट द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि प्रेसिडेंट उसमें फ्लाई कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ऐसे एसओपी होते हैं कि जिसमें आप ये कहें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी पे जोर दिया जाता है, जो अमले हैं उनकी सिक्योरिटी, उसके बाद हर फ्लाइट से पहले बड़े स्पेशल चेक्स होते हैं, फ्लाइट के बाद चेक्स होते हैं, और हर चीज़ को रूल आउट किया जाता है हर फ्लाइट से पहले कि भाई इसमें कोई खुदा न खासा सेबोटाज का एलिमेंट तो नहीं है, कोई एक्सप्लोसिव का एलिमेंट तो नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें पायलट्स जो हैं उनकी सेहत ठीक है, कोई बीमार तो नहीं है, बड़े फैक्टर देखे जाते हैं इनकी वीआईपी हेलीकॉप्टर के एसओपी में। अब इस केस में दो तीन सवाल उठ रहे हैं कि ये तीन हेलीकॉप्टर थे, दो जो हैं वो उनके बारे में कोई खबर नहीं है, मैंने अभी तक नहीं सुनी है कि वो दो हेलीकॉप्टर बाकी जो हैं वो दो ब्रिगेड साहब दो तो अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, सिर्फ ये तीसरा जो था जिसमें सदर थे वो बस क्रैश हुआ। तो ये आप देखें ना, अगर दो पहुंच गए हैं तो रूट तो एक था, ये एक ही अपना इकट्ठे कॉन्वॉय में ट्रेवल कर रहे थे, एयर कॉन्वॉय, तो रूट अगर एक था, वेदर भी खराब था, तो ये जहाज जिसमें द पायलट्स आर सपोज टू द बेस्ट, कि उनकी पायलटेबिलिटी उनकी एक्सपर्टीज कि वो किसी भी इन फ्लाइट एमरजेंसी को किसी भी वेदर कंडीशन में अगर गलती से घुस भी जाते हैं तो उससे उसमें एयरक्राफ्ट को हैंडल करना दे सपोज टू बी द बेस्ट, लेकिन